हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नायका लक्स हॉल। और जी हाँ, मैंने नायका के लग्जरी स्टोर से कुछ शॉपिंग करी है पिंक फ्राइडे सेल में। एंड या आई हैव दीज टू बॉक्सेस। तो या इनकी आउटर पैकेजिंग भी, व्हेन वी शॉप फ्रॉम द लक्स स्टोर, तो उनका जो पैकेजिंग है वो भी डिफरेंट होता है। अदरवाइज नॉर्मल जब हम शॉपिंग करते हैं तो नॉर्मल कार्डबोर्ड पैकेजिंग रिसीव होती है, और लग्जरी स्टोर से जब हम परचेजिंग करते हैं तो हमें इस तरीके की ब्लैक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग रिसीव होती है। यस नाउ, तो अब जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें रिसीव होता है ये थैंक यू कार्ड, विच इज़ ओके। एंड माई फर्स्ट परचेज जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, दैट इज़ दिस हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड पैलेट रीमास्टर्ड। सो यस, दिस इज़ द पैलेट गाइज। यू कैन सी हाउ शिमरी शाइनी इट इज़। पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो सीरियसली वेरी नाइस कार्डबोर्ड टाइप की इसकी स्टर्डी सी पैकेजिंग है, और रोज़ गोल्ड पैलेट रीमास्टर्ड इसका शेड है। इसमें और भी आती हैं, एक डेजर्ट डर्स करके भी एक पैलेट आती है, बट आई चूज़ दिस रोज़ गोल्ड। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें इस टाइप का एक कार्ड सा रिसीव होता है, जिससे कि हमारे ये मिरर और आई शेडो के बीच में एक मे बी क्या बोलते हैं उसको, सेपरेशन बना रहे आई गेस। तो दिस इज़ द कार्ड, एंड यहाँ पर हम एक रिसीव होता है गुड क्वालिटी मिरर, विच इज़ द रियली बिग मिरर यू कैन सी, एंड इसकी क्वालिटी ट्रस्ट में बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली होगी भी, इतनी एक्सपेंसिव पैलेट जो है। तो नाउ this is the palette and this is the shade range you can see guys, such a beautiful palette। isme se maine is palette me se maine ek do makeup looks try bhi kar liye, shades ko try kiya hai, and these shades are really pigmented, really good, bahut achhi blendability hai in shades ki। मैं क्विकली से आपको स्वेचेस दिखा देती हूँ इन शेड्स की। सी, एक ही स्वाइप में कितना अच्छा पिगमेंटेशन हमें, सी द पिगमेंटेशन, सच अ ब्यूटीफुल शेड रेंज। ये सारे मैट शेड्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, एंड बिल्कुल भी चौकी नहीं है शेड, बिल्कुल भी ऐसा पाउडरी नहीं है, लेकिन इनकी ब्लेंडेबिलिटी बहुत अच्छी है, इजीली कलर ब्लेंड हो जाने लिए बहुत पसंद आया। ओ माय गॉड, यू कैन सी द पिगमेंटेशन, एक ही स्वाइप में फुल ऑन पिगमेंटेशन है। सी दिस पिंक वन, बहुत प्यारा शेड है ये, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे अच्छा लगा सीरियसली। एक चीज़ और गाइज, मैंने आई शेडोज को ना एज अ हाईलाइटर भी यूज़ करा है, एंड ये बहुत ही यू कैन सी द शेड्स, परफेक्ट ब्यूटिफुल, बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट लगा मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक कलर। अदरवाइज जो दूसरी पैलेट थी डेजर्टर्स, उसके अंदर ब्लैक कलर भी दिया है जो इस पैलेट को बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल बना देता है। एंड सी द दीज फॉयल आई शेडोज, दीज आर रियली गॉर्जियस शेड्स। इसका प्राइस था समवेयर बिटवीन 5375, एंड मुझे ये पैलेट रिसीव हुई है आई गेस 40% ऑफ में नायका पिंक फ्राइडे सेल में। तो मुझे पड़ी थी कोई 3200 समथिंग की, कुछ मुझे पैलेट रिसीव हुई है, विच इज़ आई मस्ट से
इट्स अ रियली गुड बाय इफ़ यू कैन अफोर्ड. और आपको एक ही पैलेट चाहिए जो कि बहुत अच्छी हो, वर्सेटाइल हो, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस पैलेट. सो या, दिस इज वॉज माई फर्स्ट परचेज. सेकेंड, प्रेप प्लस प्राइम फिक्स गोल्ड लाइट, दिस इज द शेड नेम. दिस इज माई फर्स्ट परचेज एंड यस, यू कैन सी. इसके साथ मुझे ये मिलता है, इसका प्राइस था 1900 और इसके ऊपर डील मुझे ये मैक की स्ट्रोप क्रीम मुझे ये इसके साथ में सैम्पल साइज ट्रेवल साइज में फ्री मिली है. सो यहाँ आप देख लेते हैं हाउ इट इज़. ये मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने इसका रिव्यू शेयर किया है. इट्स इस बॉटल के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इफ़ यू लाइक मेकअप, अगर आपको ग्लोई, एक्सट्रीमली ग्लोई, ड्यूई और बहुत ही ग्लैमरस सा मेकअप लुक चाहिए तो दिस इज़ फॉर यू गाइज. और ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है वॉइस के साथ एंड जस्ट शेक एंड जस्ट यूज़ इट. ये इस तरीके से इंश्योर हो जाता है, टिक टिक के आवाज से ना ये इस तरीके से इंश्योर हो जाता है कि यस इट्स लॉक नाउ एंड इट्स टोटली सेफ. इसकी कैप सेपरेट नहीं होती है, इसमें एक रेगुलर वन भी आता है और इसके बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं मैक के. बट मुझे ये गोल्ड वाला ट्राई करना था जस्ट टू सी कि इसकी क्या फिनिश है और क्या इसका टेक्सचर आता है अप्लाई करने के बाद. इसमें बहुत ही छोटे छोटे ना शिमर पार्टिकल्स हैं जो आप स्प्रे के साथ आते हैं ज़रूर हमारे फेस पे. यू कैन सी द ग्लो. मैंने सिर्फ ये पूरा मेकअप लुक आज का बीबी क्रीम से ही कंप्लीट किया हुआ है और यू कैन सी द ग्लो ऑन माय फेस. इट्स ब्यूटीफुल, आई मस्ट से इट्स रियली ब्यूटीफुल. एंड ये 1900 का था एंड मुझे इसके साथ ये सैम्पल साइज स्ट्रोक क्रीम मिली है मैक की ही. और ये भी आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा, इट्स अ मेकअप बेस्ड मॉइस्चराइज़र एक्चुअली, और ये बहुत ज़्यादा ड्यूई बनाती है आपके मेकअप को ना. तो मैं बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ तो फिंगर्स भी एक्चुअली यू कैन सी कंसिस्टेंसी. बहुत इसमें बहुत बहुत ही लाइट से शिमर पार्टिकल्स हैं जो कि हम बिफोर मेकअप इसको अप्लाई करते हैं और ये हमारी स्किन, ये हमारे मेकअप को बहुत ज़्यादा ड्यूई फिनिश देती है एंड सच अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक क्रीम. येस डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस प्रोडक्ट एज वेल बिकॉज आई एम गोइंग टू बाई फुल साइज ऑफ दिस प्रोडक्ट डेफिनेटली. नेक्स्ट मैंने परचेज किया है एक ये, दिस इज़ द क्यूट सी छोटू सी पैकेजिंग, दिस इज़ द मिनी वर्जन ऑफ दिस ब्रश. और इसके अंदर मुझे एक रिसीव हुआ है छोटू सा ब्रश विच इज़ अगेन वेरी गुड क्वालिटी ब्रश आई मस्ट से. इसका बहुत ही बहुत सॉफ्ट और डेंस है ये और फेस पे भी बहुत ही जेंटल फील हो रहा है. अभी मैं कोई प्रेशर भी नहीं डाल रही हूँ इसके ऊपर. तो अगेन ये ब्रश मुझे थोड़ा सा आपको गंदा लगेगा बिकॉज बार बार आई एम गोइंग टू यूज़ दिस. तो दिस ब्रश इज़ रियली गुड क्वालिटी ब्रश और कंटोरिंग के लिए ट्रैवलिंग में इस टाइप की चीज़ें सीरियसली बहुत ज़्यादा हैंडी रहती हैं. नेक्स्ट इस ब्लश का शेड है सनी गोल्डन पिंक ब्लश. दिस इज़ द सनी गोल्डन पिंक ब्लश फ्रॉम बेनिफिट कॉस्मेटिक्स. मिनी ब्लश है ये इनका और इसका नेट वेट है 2.5 grams और ये प्राइस इसका है 1630 और आई एस ये मुझे 1400 समथिंग में मिला था. मैं इसके प्राइस मेंशन कर दूंगी आपको. ये मुझे 1400 समथिंग में मुझे ब्लश मिला है एंड या दिस इज़ द शेड गाइस. यू कैन सी ब्यूटीफुल कॉरली पीची कॉरली सा इसका शेड है. बहुत अच्छी सी ड्यूई सी प्यारी सी इसकी शाइन है. यू कैन सी दिस इज़ अ ब्लश.
सो गाइस, ये था मेरा नायका लक स्टोर से मिनी हॉल. एंड या मैंने ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी डील में बाय किए हैं नायका पिंक फ्राइडे सेल से. तो अगर आपको ये मेरा मिनी सा रिव्यू और ये छोटा सा हॉल वीडियो नायका पिंक सेल का अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. इट मीन्स रियली अ लॉट टू मी. थैंक यू. कीप वॉचिंग. Stay safe. Bye-bye.